हेलो गाइस, आज मैं आपको समझाऊंगा भिन्नों का योग फल कैसे मतलब भिन्नों का योग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है। भिन्न जो होता है वो होता है, इसका सबसे आसान तरीका है, इस लाइन को समझिए। लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो भी संख्या आएगी वह अंश कहलाएगी, और इस लाइन के नीचे जो भी संख्या आएगी वह हर कहलाएगी। अर्थात भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। और इसमें योग निकालने की दो विधि हैं। नंबर एक, जिनके हर समान हो। दूसरा नंबर दो, जिनके हर अलग अलग। पहली विधि पढ़ते हैं हम, जिनके हर समान हो, यानी जिनके हर समान हो उन्हें कैसे करते हैं। देखिए, हर समान वाले माना, पहला सवाल हमारा है इस सवाल में क्या है, इस सवाल में दोनों भिन्नों के हर समान है। इधर देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों चार में से एक चार लिया, बीच में प्लस है प्लस लगाया, और तीन प्लस चार ऐसे का ऐसे ले गया, और आपका हो गया तीन और चार सात बटे चार। एंड दूसरा सवाल, एक सवाल मान लिया सोलह बटे तीन है और नौ बटे तीन, इन दोनों के हर भी देखो, यहाँ भी हर तीन है और दूसरी संख्या का हर भी तीन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को जोड़ लो, सोलह प्लस नौ अपॉन तीन, ये हो गया आपका सोलह नौ पच्चीस बटे तीन। एंड दूसरी विधि जो है वो है वह भिन्नों का योग, यानी वे भिन्नों के योग जिनमें दोनों के हर क्या हों, अलग अलग हों, यानी पहली भिन्न का हर भी अलग हो और दूसरी भिन्न का भी हर अलग हो। वो कैसे, इधर देखिए, मान लिया पाँच बटे चार और दूसरा छः बटे पाँच। इस सवाल को करने के भी हमारे पास दो मेथड है। पहला, या तो इन दोनों के हर को हम समान बना लें या फिर इनकी तिरछी बना लें, जैसे इसकी दर पाँच गुणा पाँच प्लस फिर इसकी दर छः गुणा चार अपॉन पाँच गुणा चार गुणा पाँच, पाँच पंजे पच्चीस प्लस छः चौक चौबीस पाँच चौक बीस। अब ऊपर वालों को जोड़ लो, नौ और चार अपॉन बीस। अगर ये आपस में कट रहे हो तो काट दो, वरना छोड़ दीजिए। एक विधि तो ये है। दूसरी विधि है आपकी, इनमें से हरों को सेम बना लो, गुणा करके सेम बना लो, फिर उन्हें हल करो। इधर देखो, उनचास बटे बीस आंसर आ रहा है इसका, फिर देखना दूसरी विधि से भी यही आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले वाले में सवाल को ऐसे उतारिए,